हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का यूट्यूब चैनल वांडर ज्ञान। तो फाइनली ये जो वीडियो होने वाला है वो ना कोई रेस्टोरेंट का होगा, ना कोई मोन्यूमेंट्स का होगा, ना कोई स्ट्रीट फूड का होगा, ना ही कोई ट्रैवल का होगा। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ मोटिवेशन के लिए है और मेरे लिए है और आप लोगों के लिए है, देखने के लिए। तो चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, बात कुछ ऐसी है कि अभी तक मैंने तो यूट्यूब चैनल बना लिया है, अप्रोक्स 20 वीडियो डाल दिया है, पर अभी तक कोई ऐसा बंदा नहीं मिला जो मेरे को बताए कि हाँ यार, तेरा यूट्यूब चैनल बढ़िया है, तेरा कंटेंट बढ़िया है, तू अच्छा से कर रहा है, तू कर, तू आगे जाएगा। तो फाइनली ये वीडियो खासकर राहुल भैया को प्रेरित जाता है। तो अब स्टार्ट करते हैं स्टोरी को। फाइनली आप लोग सोच रहे होंगे कि ये राहुल भैया है, तो मैं आपको पहले राहुल भैया का इंट्रोडक्शन देता हूँ। राहुल भैया वो हैं जो सबके लिए एक मोटिवेशन है, सबको एक हेल्प करते हैं, वो दूसरे को मोटिवेट करते हैं ताकि वो आगे बढ़े। उनका भी एक YouTube चैनल है, उस चैनल पे 50K सब्सक्राइबर ऑलमोस्ट हो चुका है और काफ़ी अच्छा चीज़ भी डालते हैं और उनके चैनल काफ़ी ग्रो हो रहा है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आप उनका चैनल अगर देखना हो तो आप लिंक डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं। स्टॉप। वीडियो डालते डालते मैं बहुत डाल रहा था, 20-25 वीडियो डाल दिया, पर कहीं से कुछ मोटिवेशन नहीं मिल रहा था कि हाँ तेरा कॉन्टेंट सही है। एक अचानक सी रात राहुल भैया चैनल चेकिंग कर रहे थे और मैं भी उनका लाइव सेशन ले लिया, समय था मेरे पास, तो उनको मैंने अपना चैनल बताया और फाइनली उन्होंने चैनल चेक किया और उन्होंने जो कहा काफ़ी खुशी मिली है। मतलब अभी के ज़माने में कोई मोटिवेट नहीं करता है, अभी आपको डाउन करेगा कि यार ऐसा प्रॉब्लम है, तुम्हारा साउंड क्वालिटी अच्छा नहीं है, वीडियो क्वालिटी अच्छा नहीं है, कंटेंट नहीं है, ये वो, ऐसे बहुत सारे रीज़न आते हैं। लेकिन मेहनत करते 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 जा रहा था मैं, करते 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 जा रहा था, और अचानक भैया के लाइव सेशन में मैंने जुड़ा, उन्होंने मेरा चैनल चेकिंग किया और उन्होंने जो कहा, मतलब काफ़ी दंग रह गया, अंदर से काफ़ी कुछ हुआ, मतलब काफ़ी मोटिवेशन मिला, काफ़ी कुछ सीखने को मिला। उन्होंने एडवांटेज भी बताया, डिसएडवांटेज भी बताया, मतलब अच्छी चीज़ें भी बताई चैनल का और कुछ ख़राब चीज़ें भी थी वो भी बताएं। तो वो उनका वीडियो कुछ क्लिप मैंने रिकॉर्ड कर लिया था, तो वो रिकॉर्ड पहले आप देखो, वो क्लिप आप रिकॉर्ड देखो। ज्ञान आ गया बिल्कुल भाई, देख लेता हूँ, 22 वीडियो है। दिस इज ज्ञान रंजन, दो दिन पहले, चार दिन पहले भाई, वीडियो तो अच्छा बना रहे हो, थंबनेल भी अच्छा बना रहे हो, कब से चैनल चेक कर रहा हूँ, एक चैनल अभी मुझे देखने को अच्छा मिला जो काफी अच्छा लग रहा है। हाँ, दो दिन पहले, चार दिन पहले, नौ दिन पहले, 13 दिन पहले, 2 वीक पहले, ठीक है, रेगुलरिटी आपके चैनल पे है। अबाउट सेक्शन में, अबाउट सेक्शन में भी आपने अच्छा ठीक ही लिखा हुआ है, अच्छा लग रहा है। और आपकी वीडियो को मैं ओपन करके यहाँ पर देख, बना रहे हो वीडियो अच्छा, गजब का। पर यार इस तरह, अरे यार कॉपीराइट आ जाएगा यार, कम से कम ब्लॉग एक आपकी वीडियो और देखना पड़ेगा। वीडियो बहुत अच्छा बना रहे हो भाई, बहुत गजब का वीडियो बना रहे हो, बहुत अच्छा कंटेंट बना रहे हो, मुझे आपका ज्यादा, बहुत ज्यादा अच्छा लगा है, ज्यादा नहीं बहुत ज्यादा अच्छा लगा है। और इसी तरीके से मेहनत करते रहो, इसी तरह से मेहनत करते रहो, आप ग्रो जरूर हो, क्योंकि आपके अंदर में वो काबिलियत है, चेहरे से झलक जाता है कि कौन क्या है, ठीक है। तो वीडियो पर फोकस करो, कॉन्टेंट अच्छा बनाओ और इसी तरीके से रेगुलर कंटेंट बनाते रहो। और जब भी ब्लॉग चैनल बनाओ तो अपने चैनल पर एक स्माइल रखो, एक बढ़िया सा स्माइल रखो। अब यहाँ पर बात करते हैं कि आपके चैनल पर कमी क्या है। आपके चैनल पर ये जो है चैनल आर्ट जो है ना, इसको आप चेंज कर लीजिए, अच्छा लगेगा, ठीक है। थोड़ा सा स्टाइलिश चैनल आर्ट लगाओ, थोड़ा सा यूनिक लगाओ जो देखने में अच्छा लगे। और इसके बाद थंबनेल तो आपका काफ़ी अच्छा है, टाइटल भी बहुत अच्छा लगा रहे हो। और इसके बाद यहाँ पर आप जैसे कहीं कहीं जा रहे हो ना, तो आप ट्रैवल अगर कर रहे हो ना, तो यहाँ पर आप काम करो, आप प्लेलिस्ट बना लो, आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए, मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे मान लीजिए कोलकाता जा रहे हो तो कोलकाता ब्लॉग, दिल्ली जा रहे हो तो दिल्ली ब्लॉग, कोलकाता में कौन कौन सी जगह है उसका ब्लॉग, यहाँ पर उसका कॉन्टेंट, मतलब प्लेलिस्ट बना लीजिए, तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। और अबाउट सेक्शन में अपनी काफ़ी अच्छे तरीके से लिखा है, और यानी कि ये जो चैनल मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा है, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा है भाई। बेस्ट ऑफ लक, कॉन्टेंट अच्छा देते रहो, आपका चैनल जरूर ग्रो। तो दोस्तों, वीडियो क्लिप आपने देखा, बहुत अच्छा लगा होगा, काफ़ी कुछ सीखे होंगे आप लोग भी, मैंने तो बहुत कुछ सीखा राहुल भैया के वीडियो से, उनके जो उन्होंने मुझे समझाया, मैंने काफ़ी अच्छी चीज़ें सीखी उनके समझाने पे।
और वीडियो में शायद साउंड क्वालिटी थोड़ी प्रॉब्लम आई होगी देखने में, या वीडियो क्वालिटी थोड़ा कम मिला होगा, पर वो वीडियो कॉपी किया हूँ तो थोड़ा सा क्वालिटी कम गया है, पर होप सो आपको समझ में आएगा। नहीं समझ में आएगा तो मैं आपको बता देता हूँ। उन्होंने मेरे चैनल को बताया कि काफ़ी अच्छा कंटेंट डाल रहे हो, फर्स्ट चीज़। सेकंड चीज़, कंटिन्यूटी है, हर दो दिन तीन दिन का वीडियो डाल रहे हो, आपकी क्वालिटी अच्छी है, साउंड अच्छी है, और आप रेगुलरिटी हो, और इसी रेगुलरिटी को आप मेंटेन करोगे तो आगे जाके आपका चैनल को मोनेटाइज हो जाएगा, और ये आपके लिए बहुत अच्छी चीज़ें होगी। और उन्होंने डिसएडवांटेज भी बताया कि आपका चैनल का जो कवर पिक्चर है वो थोड़ा सा चेंज कर दो, ये उन्होंने बताया, और भी बहुत चीज़ें बताया। और राहुल भैया वाकई में बहुत अच्छे यूट्यूबर है, मैं उनका वीडियो हमेशा देखता हूँ, मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिलता है। मतलब वो हर चीज़ पे वीडियो बनाते हैं, एक छोटे यूट्यूबर को कैसे ग्रो करना है उसको लेकर भी वीडियो बनाते हैं, काफ़ी मोटिवेशन मिलता है उनसे। और राहुल भैया मुझे बताए, मुझे काफ़ी अच्छा लगा। तो अब जगह चेंज करते हैं, एक जगह पर बहुत ज़्यादा बोल दिया हूँ। तो दोस्तों फाइनली बहुत अच्छा लग रहा है अंदर से राहुल भैया के बातों से, और आप लोग भी अच्छा से सपोर्ट कर रहे हो, बहुत ज़्यादा प्यार दिखा रहे हो, और मेरा यूट्यूब का सपना है तो मैं इसको पूरा करूँगा, उस सपना में आप लोग का भी सपोर्ट चाहिए। और फाइनली राहुल भैया को अगेन बहुत बहुत थैंक यू सो मच। होप सो ये वीडियो राहुल भैया तक पहुँचेगा, क्योंकि मुझे नहीं पता ये वीडियो राहुल भैया देखेंगे या नहीं देखेंगे, लेकिन मैं अब चाहता हूँ कि अगर राहुल भैया तक वीडियो पहुँचे तो मैं उनसे एक बार ज़रूर मिलूँगा। अपने लाइफ में यूट्यूब लाइफ मैं शुरू किया हूँ तो मैं उनसे ज़रूर मिलना चाहूँगा। तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी तो चलते हैं दूसरे लोकेशन पे। तो वीडियो लंबी नहीं होगी होप सो, और वीडियो यहाँ तक आप लोग देखे उसके लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। और वीडियो में कुछ प्रॉब्लम आ रही थी साउंड क्वालिटी में, तो मैंने एक माइक लिया है JBL का, होप सो अब आपको साउंड क्लियरिटी आ रही होगी और वीडियो क्लियरिटी आपको दिख ही रही होगी। दोस्तों ऐसी प्यार बनाए रखिए, तो जल्दी मिलेंगे एक मस्त सा इंटरटेनमेंट सा ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए दोस्तों चलते हैं, अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करो, क्योंकि उसी से मोटिवेशन मिलता है, बेल आइकन भी दबा लो ताकि नोटिफिकेशन मिलेगा। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक करें, और प्लीज़ कमेंट करना नहीं भूलें। तो मिलते हैं, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।